राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांगजनों के बढ़ते उत्पीड़न के मामलों में चिंता व्यक्त की गई और उत्पीड़न के मामलों को लेकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में मांग की गई कि थानों में दिव्यांगजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और उत्पीड़न की रिपोर्ट तत्काल दर्ज करनी चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन कुमार ने बताया कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में थाने स्तर पर दिव्यांगजनों को न्याय नहीं मिल रहा है। बिठूर थाना क्षेत्र के दिव्यांग अजीत कुरील की जमीन और मकान भाई ने जबरिया कब्जा कर लिया है और थाना पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है। समस्या सर ये है कि हमारा बच्चा विकलांग है और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या हुआ बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ, मेरा ये बच्चा स्कूल में पढ़ता था बचपन डे केयर सेंटर में, वहाँ से मेरा बच्चा गलत तरीके से मतलब मेरी और उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 112 नंबर बुलाया, मेरी भी कोई सुनवाई वहां सुनी नहीं गई है। माने गया, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। किस क्लास में पढ़ता है, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है वंश कुमार है और वहाँ बचपन डे केयर सेंटर में पढ़ता था। किस क्लास में? क्लास सर वहाँ पे सिखाने का होता है, क्लासिंग नहीं होती वहाँ पर। जी, कारण क्या रहा मामले? कारण ये है सर, जबकि मतलब जब कोई अधिकारी आता है तो पेरेंट्स को बुला करके मीटिंग होती है, तो उसमें कई लोगों ने वहाँ पर ये बताया और हमने भी बताया कि मतलब कि यहाँ बच्चों को खाना सही जो सुविधा दी जाती है, सरकार देती है, वो चीज़ नहीं दिया जाता है। अपना ये लोग पता नहीं बेच देते हैं, क्या करते हैं कि जो बच्चों को सही सुविधा नहीं देते, ना सुविधा ना प्रिंसिपल टाइम से यहाँ पे आती हैं स्कूल में। इसी का विरोध किया था क्या? इसी का विरोध किया था, इसी तरीके से मेरे बच्चे को निकाला और कई लोगों बच्चों को निकाला, कई बच्चों के जो उन्होंने ऐसा पेरेंट्सों ने बोला है और उसके बाद मारवाया। आज दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के बैठक हुई है और बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि पुलिस आयुक्त कानपुर नगर से एक शिष्टमंडल मिले और मिलने के बाद उनसे निवेदन करें कि थानों में दिव्यांगजनों के साथ पहला तो सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, दूसरा जो उत्पीड़नकर्ता दिव्यांग जाता है उसकी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर दर्ज हो, तीसरा दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का अनुपालन करते हुए जो रिपोर्ट दर्ज हो वो उसको शामिल किया जाए FIR में, चौथा ये है कि देखने में आ रहा है कि जो पीड़ित पक्ष जाता है दिव्यांग उसके उसकी कार्रवाई करने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। अभी मामले कई आए हैं जिसमें 151 की कार्रवाई हो गई है दिव्यांगों के ऊपर, बजाय उनके उनको न्याय देने के लिए FIR करने की ज़रूरत थी तो वो उनके खिलाफ ही FIR 151 कर दिया गया। तो ये जो परिस्थितियां हैं जो दिव्यांगजन एक तो थाने जा नहीं पाते हैं डर के मारे, और कोई हिम्मत जुटाता है तो पुलिस उल्टा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर देती है, तो ये व्यवस्था समाप्त हो ये बैठक में आज तय हुआ है। इसके लिए पुलिस आयुक्त से हम लोग मिलेंगे और उनसे समय मांगा जा रहा है और जैसे मिलेंगे वैसे अपनी बात हम लोग कहेंगे, और अगर फिर भी नहीं कुछ होता है तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।